फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग करने के लिए। तो पहले बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रंट साइड का कपड़ा को हटा देते हैं और बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए पहले मैंने कपड़े को दो फोल्ड कर दिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े को दो फोल्ड कर दिया है। हिप का नाप लेते हुए इसको दो फोल्ड कर देना है फ्रेंड्स, जिसमें दो इंच प्लस कर देना है। उसी के हिसाब से यहाँ पर मैंने दो इंच प्लस करते हुए यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर दिया। उसके बाद सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई जितना भी है उसमें डेढ़ इंच प्लस कर देना है, क्योंकि नीचे फोल्ड होगा कपड़ा और ऊपर सिलाई में भी चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ शोल्डर का। शोल्डर का निशान 7 इंच पर लगाया और आर्म होल का भी सेम उतना ही लगाया। अब उसके बाद लगाना है चेस्ट का निशान। चेस्ट जितना भी होता है उसमें 1.5 से 2 इंच लूजिंग करने के बाद उसका 1/4 कर लेना होता है। देखिए, यहाँ पर 9 इंच पर मैं चेस्ट का निशान लगा। पर 36 इंच का चेस्ट था, जिसका मैंने 1/4 यानी कि 9 इंच पर यहाँ पर चेस्ट का निशान मैंने लगाया है। अब चेस्ट के पास इंची टेप को इस तरह से रखना है और एक निशान लगाना है यहाँ पर चाक का। 13 इंच पर मैंने चाक का निशान लगाया है और चाक और चेस्ट के बीच में यहाँ पर कमर का निशान लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 निशान रो कर दिए हैं। अब जैसा चेस्ट का निशान लगा था उसी तरह से वेस्ट का भी लगेगा। यहाँ पर 1/4 कर लेना है और 1.5 इंच का लूजिंग दे देना है। देखिए, यहाँ पर जितना भी आपका कमर है उसका 1/4 करने के बाद, 1.5 इंच का लूजिंग देने के बाद यहाँ पर मैंने इसका निशान लगा दिया है। और उसके बाद हिप का भी उतना ही करना है। हिप का भी 2 इंच या 1.5 इंच प्लस कर लेने के बाद उसका 1/4 कर लेना है। और उसके बाद इसको इस तरह से निशान लगा लेना। और अब इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देना है। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेना और जितना हिप है उतना ही यहाँ पर दामन को भी रखना है। और उसके बाद इसको भी इस तरह से मिला लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन रखते हुए, मार्जिन 1.5 से 2 इंच रखते हुए इसकी कटिंग कर देना है। 1.5 से 2 इंच मैंने मार्जिन रख लिया है। इसके बाद कंधे को 1/2 इंच शेप दे दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर गले की जितनी भी आपको लंबाई रखना है, यानी गला आपको जितना डीप रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर गला को रख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद इसकी कटिंग कर, बैक साइड की कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, जो फ्रंट का कपड़ा है उसको भी इस तरह से दो फोल्ड में रख लेना। देखिए, यहाँ पर फ्रंट का कपड़े को मैंने दो फोल्ड में कर दिया है। उसके बाद बैक साइड का जो कपड़ा है उसको लेना है और लेकर के उसके ऊपर इस तरह से रख देना। रखने के बाद ठीक उसी तरह से फिर फ्रंट की भी कटिंग कर देना है। और फ्रेंड, वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और देखिए, यहाँ पर फ्रंट साइड का आर्म होल को भी मैंने यहाँ पर 1/2 इंच का शेप दे दिया है। और उसके गले की भी अब इस तरह से कटिंग कर लेना फ्रेंड्स। यहाँ पर 6 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और 1/2 इंच जितना कपड़ा को छोड़ करके यहाँ पर गले की भी कटिंग कर दी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर स्लिप्स की भी कटिंग कर देते हैं। स्लिप्स की लंबाई जितना भी रखना है उसी के हिसाब से यहाँ पर पहले कपड़े को कट करके निकाल देते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है, क्योंकि दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ करना है। लंबाई जितना भी रखना आप उसी के हिसाब से रख सकते हो फ्रेंड्स। भाई, मुझे इसका 16 रखना है, तो यहाँ पे 17 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी कपड़ा जो है तो फोल्ड में जाएगा। और उसकी देखिए, इसकी चौड़ाई जो है तो 9 इंच है। और यहाँ से यहाँ तक मैंने 3 इंच पर एक निशान लगा लिया है। उसके बाद इसको तिरछे से इस तरह से मिला देना है। उसके बाद यहाँ पर मोहरी का निशान लगाना है, यानी कि जो बाही का जो गोलाई है वो 10 इंच का है, तो यहाँ पर मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन मैंने रख लिया है। उसके बाद अब इन निशानों को इस तरह से मिला देना है फ्रेंड्स। और अब इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग तो हो गई फ्रेंड्स, अब इसको सिलने के लिए चलिए सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गले को बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इसी कपड़े का एक टुकड़ा ले लिया है। उसके बाद उसको इस तरह से नीचे रखा है और उसके ऊपर फ्रंट साइड का गले को इस तरह से रख दिया है। और चौक मिट्टी की मदद से फिर यहाँ पर जैसा गोल गला है बस उसी तरह दूसरे कपड़े में ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ पर कपड़े को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देना है। देखिए इस तरह से,
और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। पहले मैं इसको फोल्ड कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। और जिस तरह से मैंने फ्रंट नेक को बनाया है उसी तरह से बैक नेक को भी उसी तरह से बनाऊंगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फोल्ड कर लेने के बाद आप यहाँ पर ऊपर में कपड़े को रखना है, यानी कि जो कपड़े का जो सीधा वाला साइड है, कुर्ती का जो सीधा वाला साइड है, उसी के ऊपर इन इस पट्टी को रखना है और सिलाई कर देना है। उसके बाद सिलाई को बचाते हुए यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि पट्टी को पलटने में आसानी हो। उसके बाद एक सिलाई इस तरह से इसके ऊपर में लगा देना है, यानी जो पट्टी को सिल करके लगाया है उसी के ऊपर इस तरह से लगा देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसको हेम कर दीजिएगा, या फिर एक पक्की सिलाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हेम हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों साइड का गला तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इनके कंधों को जोड़ना है। कंधों को जोड़ने के लिए देखो पहले एक तरफ का मैं धागा खोल दे रही हूँ, यानी कि जो पॉइंट वाली सिलाई है उसको खोल देना है। उसके बाद इसको इस तरह से सिलना है, देखिए इस तरह से इसको रखना है और इसके बाद इसको सिलाई करते जाना है। इस तरह से अगर आप कंधे को जोड़िएगा तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये बनता है फ्रेंड्स करके आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, देखिए इसको कुछ इस तरह से लेना है और लेकर के इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। जब इसको पलटिएगा तो जितना भी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब दोनों साइड को इसी तरह से कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दोनों कंधों को जोड़ दिया है। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई भी लगा लेना है। फिटिंग का निशान लगाने के बाद उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई कर देना है फ्रेंड्स। सिलाई करते हुए जाना है नीचे हिप तक। हिप के बाद सुई को रोक देना है, यहाँ पर हिप का निशान है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसको पहले मजबूत कर लेते हैं दो बार सिल करके। अब यहाँ पर सुई को रोक देना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर सिलाई करते हुए मैंने हिप तक लेके आया। दूसरे साइड भी इसी तरह करना है, दूसरे साइड भी इस तरह सिल करके लाना है और हिप के पास सिलाई को रोक देना है। और रोक कर यहाँ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब इसका चाक बनेगा, दोनों साइड के साइड का आप चाक बनेगा। चाक बनाने के दामन के पास से सिलाई करते हुए आना है। यहाँ पर मैंने सिलाई कटिंग के दौरान एक कट लगाया था फ्रेंड्स कि मुझे कितना चाक फोल्ड करना है। उसके बाद अब नीचे से इसको फोल्ड करते हुए ऊपर हिप तक लेकर के आना है। देखिए इस तरह से ऊपर हिप तक लेकर के आना है। सिलाई करते हुए इस तरह ऊपर हिप तक लेकर के आना है और लाने के बाद सुई को इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। और दूसरे साइड का भी चाक को इसी तरह से बना लेना है। देखिए इस तरह से बन गया है। एक तरफ का चाक मैंने बना लिया फ्रेंड्स। अब दूसरी तरफ के चाक को भी इस तरह से बनाना। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई भी लगा देना है। देखिए इस तरह से किनारे में एक पॉइंट की सिलाई भी चाक के ऊपर लगा देना है। अब उसके बाद स्लीव्स को अटैच करना है। यहाँ पर आधा इंच शेप दे देना है फ्रेंड्स आगे के साइड में। फ्रंट साइड में इसको अटैच करना है तो यहाँ पर शेप दे देते फ्रेंड्स। उसके बाद रखना है। रखने के बाद अब स्लीव्स को आर्म होल में इस तरह से सिलाई करते हुए स्लीव्स को भी अटैच कर देना है फ्रेंड। स्लीव्स अटैच करते टाइम ये देख लेना है फ्रेंड कि जो फ्रंट का साइड है जहाँ पे स्लीव्स की जो शेप दिया था आधा इंच का, तो वो फ्रंट के साइड को ही आए। और उसके बाद इस तरह से इसकी सिलाई कर देना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना आप लोगों को बताया फ्रेंड। अगर तो भी समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। देखिए इस तरह से कुछ स्लीव्स की भी स्टिचिंग हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पर दोनों स्लीव्स को ठीक इसी तरह से अटैच कर देना। मैंने अपने और भी वीडियो में स्लीव्स लगाने के लिए बताया फ्रेंड्स। अगर आपको देखना है तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, यानी कि आप मेरे चैनल में जाके उन वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्लीव्स की मोहरी, यानी कि स्लीव्स की जो गोलाई है, अब उसको भी इस तरह से फोल्ड कर देना है। और उसके बाद जितना इसकी फिटिंग रखना है उसका निशान लगाते हुए इसकी सिलाई कर देना है।
अब उसके बाद यहाँ पर नीचे दामन को भी फोल्ड करके सिल देना फ्रेंड। कटिंग करते टाइम यहाँ पर जो डिज़ाइन था नीचे दामन में उसको मैंने निकाल दिया था फ्रेंड्स। अब इसको सिलाई करते टाइम अब इसको भी सिल देना है साथ में। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करके यहाँ ऊपर से की साइड को भी सिलाई कर देना है फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। और देखिए यहाँ पर पूरी कटिंग और स्टिचिंग कुर्ती की मैंने कर दिया है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।